Hello students, today we are starting our third chapter of physical education and chapter name is yoga and lifestyle. अगर सबसे पहले हम बात करें तो आजकल की जो हमारी डे टू डे लाइफ है वो काफी बिजी शेड्यूल हो गया है, काफी हेक्टिक लाइफ होती जा रही है, जिसकी वजह से लोग अपनी फिटनेस पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पाते और लोगों में बहुत जल्दी हेल्थ इश्यूज, ओबेसिटी प्रॉब्लम आने लगती है। तो अब हम बात करेंगे कि योगा हमारी लाइफस्टाइल को कैसे बेटर तरीके से क्रिएट करता है, एक रिक्रिएशन करता है हमारी लाइफ को फिट रखने में। तो सबसे पहले हम बात करें आसन्स। आसन्स क्या है? आसन्स एक पोजीशन है जिन पोजीशंस के थ्रू हम अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, जिसे हम योगा लैंग्वेज में आसन कहते हैं। सो आसन्स एज अ प्रिवेंटिव मेजर आर यूजफुल इन मैनी वेज एंड यूजर्स आर ब्रॉडली डिस्कस्ड बिलो। मेंटल हेल्थ, अगर कोई बंदा डेली योगा आसन अप्लाई करता है ऑन हिज बॉडी, अगर वो अपनी बॉडी पे डेली योगासन अप्लाई करता है तो जो उसका माइंड है वो काफी ज्यादा पीस फील करता है और जिसकी वजह से उसका माइंड ऑलवेज रिफ्रेश रहता है और एक न्यू न्यू आइडियाज उसके माइंड में क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से वो मेंटली फिट होता है। हेल्दी बोन्स, अब हम बात करें हेल्दी बोन्स। अगर आप डेली योगासन करेंगे तो आपकी बॉडी में ओबेसिटी होगी ही नहीं और आपकी बॉडी में हायर रेट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से जो आपकी बोन्स है वो हेल्दी होंगी। डीलिंग विथ ओबेसिटी एंड डायबिटीज, मैंने आपको अभी क्लियर किया था कि अगर आपकी बॉडी डेली योगासन अप्लाई करती है तो आपकी बॉडी कैसी होगी? ओबेसिटी फ्री होगी, मतलब आपकी बॉडी पर जल्दी मोटापा नहीं आएगा और डायबिटीज प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी क्योंकि आपका ऑक्सीजन एंड ब्लड लेवल अच्छा होगा। स्टैंडिंग आसनास लाइक अर्धचक्र आसना एंड ताड़ आसना हेल्प टू प्रमोटिंग ज्वाइंट एंड मसल फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीजिंग द स्टेमिना ऑफ द बॉडी। अब जो आपके ऐसे आसन होते हैं जो खड़े होकर किए जाते हैं या हाफ स्टैंडिंग पोजीशन पे किए जाते हैं, उनसे आपकी बॉडी के जॉइंट्स और बॉडी में ज्यादातर फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल हो जाती है। इट मींस बॉडी फ्लेक्सिबल रहती है और बॉडी में आपके जो जॉइंट्स हैं वो स्ट्रांग होते हैं। अगर हम बात करें अपने नेक्स्ट पॉइंट की तो नेक्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड बेंडिंग आसनास। अब जिन भी आसनास में हम अपनी बॉडी को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एरियाज में मूव करते हैं उनसे हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है फॉर फ्लेक्सिबिलिटी और हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेचिंग पावर है, वो भी इंक्रीज होती है। इसी तरह हमारे जो आसन है ट्विस्टिंग आसनास, लाइंग आसनास, इनसे हमारी बॉडी को एक रिलैक्सेशन, एक कामनेस मिलती है, जिसकी वजह से हम काफी ज्यादा अपनी बॉडी को लाइट फील करते हैं, अपना माइंड रिफ्रेश फील करते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि हमारे जो कुछ आसन है वो हमारे लिए कैसे कैसे डिजीज से लड़ने में हमारी हेल्प करते हैं। ओबेसिटी प्रोसीजर बेनिफिट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर वज्रासना, हस्तासना, त्रिकोण आसना, अर्धमत्स्य आसना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ आसन्स के बारे में। व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी क्या है? ओबेसिटी का सिंपल मीनिंग है मोटापा। आजकल मोस्ट ऑफ द जो बीमारियां हैं वो किस काय की वजह से हो जाती हैं? जब लोगों का वेट ज्यादा होने लगता है, लोग हैवी वेट होने लगते हैं या फिर ओवर वेट होने लगते हैं, क्योंकि ओवर वेट होने की वजह से लोगों को बीपी प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटीज प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन लेवल प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी इज अ फिजिकल कंडीशन इन विच अ पर्सन हैज एक्युमुलेटेड सो मच बॉडी फैट दैट इट माइट हैव अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन हर हिज हेल्थ। जब किसी भी पर्सन का वेट ओवरवेट हो जाता है, इट मीन जितना वेट होना चाहिए उससे ज्यादा हो जाता है, तो बंदे को डिजीजेस हो जाती हैं और उससे बंदे को एक नेगेटिव रिजल्ट मिलने लगते हैं अबाउट देयर फिटनेस। चलिए अब हम बात करें कुछ आसन की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वज्रासन। तो वज्रासन की जो पोजिशन है वो आपको इस पिक्चर्स में क्लियरली दिख रही होगी। देखिए, आपको अपने पैरों को फोल्ड करना है और बिल्कुल रिलैक्सेशन पोजिशन में बैठ जाना है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? द मोस्ट सिग्निफिकेंट बेनिफिट ऑफ वज्रासना फॉर ओबेस इंडिविजुअल ऑफ दूस हु वांट टू अवॉइड बिकमिंग ओबेस। इट मींस मोटापा को कम करने में जो वज्रासन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वज्रासना हेल्प इन केस ऑफ कॉशियसनेस इन दैट स्टोमच एंड स्टॉप ऑफ फॉर्मेशन। इट मींस कॉन्स्टिपेशन, जिनको पेट से
रिलेटेड कुछ भी बीमारी होती है, जिन्हें डाइजेशन प्रॉब्लम होती है, उसे भी वज्रासन सॉल्व करता है, आपका फूड इजीली डाइजेस्ट कर देता है। चलिए अब हम बात करते हैं हस्तासना की, क्योंकि ज्यादातर हमें आसन में क्या पढ़ना है, आसन में हमें मोस्ट ऑफ द सिर्फ यही पढ़ना है कि आसन का प्रोसीजर क्या है और उससे हमें बेनिफिट क्या है। लेकिन हमें यह भी देखना है कि ये आसन हमें कब अप्लाई नहीं करना है। वज्रासन अगर किसी की बॉडी में पेन है तो उसे वज्रासन नहीं करना है, अगर कोई वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसे भी वज्रासन नहीं करना है। क्लियर। हस्तासना, अब आप हस्तासना की पोजिशन देख रहे हैं कि हमें स्टैंड होकर अपने हाथों को ऊपर की तरफ ले जाना है और बॉडी को स्ट्रेच करना है। अब हस्तासना के हमारे पास कुछ बेनिफिट्स होंगे और उसके बेनिफिट्स क्या हैं देख लीजिए। ये फैट कम करता है, उसके बाद ये बॉडी को ज्यादातर फ्लेक्सिबल बनाता है, ये आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और बॉडी के जो बैक पेन, शोल्डर पेन है, इनसे हमें रिलीफ मिलता है। क्लियर। अब हम बात करेंगे अर्ध मत्स्य आसना की, इट मींस आधी मछली, जैसे अगर हम हिंदी मीनिंग करें, उसकी पोजीशन आप देख रहे हैं ये होगी। चलिए अब इसके बेनिफिट क्या है, इसके बेनिफिट से एक जो सिंपल बात, क्योंकि अभी हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि इंसान में अगर ओवरवेट हो जाता है, एक्स्ट्रा फैट जनरेट हो जाता है, तो उसके लिए हमें ये सारी आसन करने हैं। तो इससे फैट रिड्यूस होगा, आपकी स्ट्रेस टेंशन कम होगी, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी और ऑक्सीजन पावर इंक्रीज होगा, आप ज्यादातर ऑक्सीजन ले सकते हैं, ये लंग्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है और ये सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन भी इंप्रूव करती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करती है, मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाती है। लेकिन इसे भी किसे नहीं करना चाहिए, अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसे ये नहीं करना चाहिए, किसी की बॉडी में पेट में दर्द है तो उसे भी इस आसन को रिफ्यूज करना चाहिए, और किसी को कोई भी बैक पेन या बॉडी पेन है तो उसे ये आसन नहीं करना है। तो आई होप आपको आज का हमारा लेक्चर क्लियरली समझ में आया होगा और हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी योगा के टॉपिक्स कवर करेंगे। थैंक यू।